हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, लगभग एक महीने से भी ऊपर हो चुका है। मैंने कोई भी वीडियो में अपडेट आपको किसी प्रकार का नहीं दिया है, तो आज से हम फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कारण मैं आपको बता दूँ, मेरी सिस्टर की शादी थी तो इसकी तैयारियों में मैं लग गया था और इसी कारण से मैं किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बना पा रहा। अगर बनाने की भी कोशिश की तो कुछ काम ऐसे आ गए जिन्हें मुझे करना पड़ा, इस कारण से मैं आपको किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं दे पाया। तो आज से हम फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद जो कि अब गूगल अपडेट देने जा रहा है 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च से अब गूगल भी अपडेट हो जाएगा। जो गूगल की सर्विस है उसमें अपडेट होने वाले हैं। तो अपडेट चार टाइप के उन्होंने अपडेट दिए, क्योंकि जिन जिन के भी गूगल अकाउंट है उनको मेल कर दिया गया है और उन पर यह बताया गया है कि हम इस प्रकार के अपडेट करने वाले हैं। कुछ अपडेट्स हमने नोट किए हैं हमारी मेल से और आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके के अपडेट गूगल देने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल अपडेट होने वाले 31 मार्च से, और आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा अपने गूगल अकाउंट पर। तो चलिए क्या क्या अपडेट हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला जो अपडेट आया है, बेहतर पठनीयता, यानी कि एक प्रकार से ये बात की जाए कि अब जो भी गूगल है वो कुछ भी चीज़ हमारे पास भेजेगा, यानी हमारे साथ जो भी चीज़ शेयर करेगा उसे वो बेहतर तरीके से हमें समझाएगा। यानी कि पहले जो इनकी समझाने की प्रोसेस थी वो एक कागजी कार्रवाई की तरह थी, किसी भी कागज पर बहुत सारा कुछ लिख दिया है और समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अब जो गूगल है वो ने जो अपडेट किया है, वो अपडेट ये है कि वो आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको क्लियर करेंगे कि जो कुछ भी गूगल पेज पर जो हरकतें हो रही हैं वो किस प्रकार की, और इनसे क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये आपके किस काम आ सकती है, आपके लिए हानिकारक है, सारी प्रोसेस आपको आप गूगल पेज पर आपको इस तरीके के अपडेट में दिखाई देगी। दूसरा अपडेट ये है कि जो गूगल है, गूगल अकाउंट है, उस पर अगर किसी भी तरीके का अपडेट होता है, जैसे कि अभी जो 31 मार्च का अपडेट है इसका हमें मेल आया, लेकिन आगे से अब ये होगा कि अब कोई भी छोटे से भी अपडेट पर गूगल आपको मेल करेगा और आपके साथ शेयर करेगा। ये एक अपडेट बहुत अच्छा किया जा रहा है कि गूगल पर जो भी अपडेट्स पहले होते थे, बहुत सारे ऐसे अपडेट हो चुके हैं जिसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती थी और हमें गूगल पेज पर ये देखने को मिलता था कि यार ये चीज़ कुछ नई हो चुकी है और इसकी हमें कोई जानकारी नहीं, ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अब ऐसा होगा कि गूगल जो भी अपडेट करेगा उसका बकायदा हमें मेल सेंड करेगा और हमारे साथ अपने अपडेट की सारी जानकारी शेयर करेगा, ठीक है। तीसरे अपडेट की बात की जाए तो गूगल क्रोम है, जो कि वेब पेज है, उसके बाद गूगल क्रोम ओएस और गूगल ड्राइव, जो कि हमारे अकाउंट से लिंक होते हैं, ठीक है। जब हम अपनी मेल आईडी इनमें साइन इन करते हैं तो सारी जो गूगल क्रोम ओएस और गूगल ड्राइव, ये सब हमारे अकाउंट से लिंक होती है, ये सब हमारे अकाउंट के जरिए ही चलती है, इसमें हमारे अकाउंट की सारी जानकारी होती है। तो अब क्या होगा, ये तीनों काम करेंगे तो केवल गूगल अकाउंट, यानी जो गूगल में जो अपडेट हो रहा है उसकी शर्तों के अंदर ही रहकर अब ये तीनों चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। इनमें जो गूगल की शर्तें वो तीनों को जोड़ दिया जाएगा और इसके दायरे में रहकर ही ये तीनों वेब सर्विस अब काम करेगी। तो तीसरा अपडेट ये था। और चौथा अपडेट ऐसा है कि जो वो नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका भी पॉइंट बनाकर हमें शेयर किया है कि जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जो प्राइवेसी पॉलिसी अकाउंट में जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताने के लिए अपना चौथा पॉइंट बनाया है इन्होंने। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचे कि यार प्राइवेसी में लेकर क्या अपडेट हो सकता है, तो उन्होंने ये पॉइंट में क्लियर कर दिया कि हम हमारी प्राइवेसी पॉलिसी में कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका अगर गूगल अकाउंट है तो बाकायदा आपको एक मेल आया होगा, तो आप वो मेल चेक कर लीजिए, बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए और उसे समझने की भी कोशिश करें, क्योंकि आगे से तो गूगल आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझाएगा, बेहतर तरीके से आपके साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके के चार अपडेट हैं जो कि आपके गूगल अकाउंट में 31 मार्च को हो जाएंगे, यानी कि एक तारीख से आपका गूगल अपडेट हो जाएगा। तो इन चार पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए और आगे अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर रखने की कोशिश करें, यानी कि अपने गूगल अकाउंट का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना करें, उसे सिक्योर रखें और सारी जानकारी आप स्वयं ही लें, किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर ना करें गूगल अकाउंट का। हो सकता है कि कोई भी आपके गूगल अकाउंट का दुरुपयोग कर ले और आपके अकाउंट बंद हो जाए या खतरे में पड़ सके, इसलिए आपको अपने अकाउंट की खुद सुरक्षा करनी होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, और आगे चलकर हम वीडियो पर काम कर रहे हैं, जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी जानकारी होगी, जो भी बात आपके साथ शेयर करने लायक होंगी, सारी आपके साथ अब शेयर करेंगे, क्योंकि हमने फिर से वीडियो पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।